पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। नाथ ब्रह्म के प्रणेता पुरोधा विश्व के महानतम कलाकारों में से एक महान तबला वादक पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के 100वें जन्म दिवस को शताब्दी वर्ष के रूप में भव्यता से मनाया जा रहा है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए अंजलि मिश्रा ने बताया कि आगामी 3 सितंबर से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष पर्यंत चलने वाले सांगीतिक यज्ञ का प्रारंभ काशी में किशन महाराज जी के आवास पर स्थित सरस्वती कक्ष में शास्त्रीय संगीत की संध्या के साथ हो रहा है। प्रेसवार्ता में नीरज शर्मा, अमूल्य शर्मा, उदय राव, राजेश जैन और नरेंद्र मिश्र उपस्थित रहे। कल 3 सितंबर 2022 से पिताजी का 99 वर्ष पूरा होके 100वां वर्ष शुरू हो रहा है। हम लोग परिवार, उनके शुभचिंतक, उनके शिष्यगण, हम लोग मिलके पूरा इसकी प्लानिंग किए हैं कि हम लोग इस वर्ष पूरा जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग इसको मनाया जाएगा। और अभी से लेके 3 सितंबर 2023 तक हम लोग बहुत धूमधाम से हर महीने में कार्यक्रम बनारस में, चाहे बनारस से बाहर, चाहे देश में, चाहे विदेश में, जहाँ भी उनके शिष्य लोग हैं, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और अभी भी कल हमारे पिताजी के मतलब इस आवास से सरस्वती कक्ष में, जो उनके स्मृति में निर्मित किया गया है, यहाँ पे कल कार्यक्रम है। और इसके अलावा पूना में भी उनके शिष्य जो हैं अरविंद आज़ाद, वो भी पूरे एक साल के लिए कार्यक्रम कल से ही शुरू कर रहे हैं। कल यहाँ क्या होगा, किस तरह से शुरू करेंगे? कल यहाँ सबसे पहले तबला वादन से शुरू होगा, जिसमें प्रवीण उद्धव जी अपने बेटे श्रुतिशील के साथ वादन करेंगे। उसके बाद देवाशीष जी का गायन है और अंतिम कार्यक्रम के रूप में विशाल कृष्णा जी का नृत्य है। ये 3 कार्यक्रम से कल हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सायं 6:30 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम, उम्मीद है 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और इसमें बनारस के सभी बड़े और विशिष्ट लोग आएंगे और हमें सबका सहयोग मिल रहा है बहुत अच्छे से, जिससे मैं बात कर रही हूँ। सारे कलाकार एक दिन में तैयार हो गए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पूरे काशी की जनता से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपना पूरा हमें सहयोग करें और पिताजी के इस जन्म शताब्दी वर्ष को अच्छा से करने के लिए अपना पूरा साथ दें हमको।